हेलो जी। तो अभी उठे और ये दूसरा दिन है। कल वाला व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, ये भी पता नहीं कब अपलोड होगा। अभी मम्मी वगैरह चल रही है, हमें काम चल रहा है, मेरे को ये फोन चार्जिंग पे लगाना है और नीचे जा रहा हूँ, रेडी वगैरह होके आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं आराम से। और आज हमें जाना है यूपी, मतलब मुजफ्फरनगर। लेट्स गो। हेलो जी। तो अभी टाइम हो रहा है 10:06 और 36 सेकंड, मतलब 37 हो गए हैं। और आज है 11 तारीख, अगर तुम्हें दिख रहा हो फोकस हो। हाँ, तो 11 तारीख, और आप व्लॉग देख रहे हो ये 12 तारीख में। और ये एक्चुअली व्लॉग 5 तारीख का है, और 5 तारीख को ऐसा होता है कि एक लगन होती है, परंपरा है, मतलब पहले से चलते आ रही है। मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, पर लगन में मेरे को जितना पता चला उतना ये होता है कि जो मेरे जीजा जी हैं उनको, मतलब अब तो जीजा हो गए हैं, मेरे जीजा जी हो गए हैं, वो लड़का रोकने वाला टाइप का कुछ होता है कि हम लगन देने जा रहे हैं लड़के को, हम लड़का रोकने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ लगन था। और सुबह 5 बजे हम उठे थे, शायद ही वाली क्लिप तुम लोगों ने देख ली होगी कि सुबह 5 बजे मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा रहा था। और 5 के बाद मेरे पास काम बहुत था, क्योंकि मैं लड़की का भाई था, और मेरे साथ शिवम था और राजकुमार भी है, पापा के दोस्त हैं वो थे। काफी काम था, काफी ज्यादा काम था, मतलब मजाक नहीं। तो 5 तारीख कैसा दिन था, सुबह 5 बजे हम उठे और मेरे को गाड़ी लेके जानी थी, गाड़ी ड्राइव करनी थी, इस चक्कर में मैं सोया था। और मैं सोया था लगभग 3 से 4 घंटे, शायद 3.5 घंटे सोया होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा सोया नहीं था मैं, क्योंकि 2-2.5 बजे के आसपास सोया था। और 5:30 के आसपास लगभग मैं उठ गया था, प्रॉपर उठ गया था, ठीक है। और उसके बाद हमें रेडी होना था, बस को बुलाना था, सारे गेस्ट जो थे, मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे, सबके सब उन्हें बस में बैठाना था, गाड़ी में बिठाना था, सोचना था कि क्या सामान लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। काफी फैमिली इधर टपल टपल हो रखा था, मतलब शादी का घर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है अभी के घर के हिसाब से, या फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो उस टाइम का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे को पता चली ये चीज ना, कि शादी के टाइम पे जो घर होता है वैसा घर सिर्फ शादी के टाइम पे ही होता है। हड़बड़ी मची हुई थी घर पे कि इधर उधर ये वो, हम लेट ना हो जाए, क्योंकि लगभग 190 किलोमीटर है एक साइड से जाना जाना, और आना जाना मेरे ख्याल से 380 किलोमीटर या 390, 400 लगा लो प्रॉपर, कि 400 किलोमीटर है आना जाना। तो बहुत लंबा ट्रेवल था, सबको लेके जाना था, बस आनी थी, फैमिली मेंबर्स को बिठाया उसमें। उसके बाद मैंने प्रॉपर ड्राइव ही करा, क्योंकि कितने लोग थे ड्राइव करने के लिए, कितनी गाड़ियाँ, 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ थी और एक बस थी, तो एक गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा, एक गाड़ी खत्री भी है, एक पापा के फ्रेंड है वो भी, वो ड्राइव कर रहे थे, एक भैया नितिन भैया तुम आगे देखोगे, उन्होंने एक गाड़ी ड्राइव करी, शिवम जो था वो नितिन भैया के साथ था, वो आरव को संभाल रहा था, भाभी थी मेरे साथ, मतलब काफी लोग थे जो इधर उधर, और मेरी गाड़ी में ही सामान था लगभग सारा, जो सामान हम लगन में देते हैं, जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से। तो इस पहले ये वाला पूरा का पूरा देखो, उसके बाद मिलते, क्योंकि अभी मेरे को याद भी नहीं है एक्चुअली में ना कि क्या चीज थी और कैसे करा था वो और कैसे होना था, क्योंकि मैंने देखो मेरे को इतना याद है कि मैंने जब मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी के बाद नहीं, गाड़ी के बाद नहीं, मैं सीधा रेडी होने गया, रेडी होने के बाद मैंने सीधा फोन वहीं पे जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, बीच में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एक्चुअली ध्यान में नहीं रहा, और इतना ज्यादा बिजी था मैं कि मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखो आगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। पीस आउट। ये नितिन भी है, बाकी वहां पे फैमिली। आज मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर रहा। ये प्रताप है, वो मामा है, और ये पापा है। शांति ब्रह्म शांति शांति ओम हरि ओम सिरथि के राज कुमारी पापा और धीरज। श्रीमान सौरभ दीवान जी और समस्त लघु दीर्घ जनाती राम राम वंचना अत्र गोष्ठम तत्रास्तु अग्रे प्रधान पाचक चिरंजीव धीरज कुमार जी, वो गुड्डू भी है और वो धीरज की मम्मी है। तो भाई अभी तक तुम लोगों ने देख लिया होगा, मैंने भी अभी अभी देखा है और थोड़ा बहुत एडिट किया है कि क्या है एक्चुअली में, क्या है देखो, मैं पार्ट एक ही में डाल देता पर मिक्सअप हो जाता और मैं बता नहीं पाता किस दिन क्या चीज हुई है। तो ये जो लगन होता है ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि लड़के को रोकने जाते हैं हम कि हमें लड़का अच्छा लगा है, और अगर धीरज देख रहा है तो भाई पीस आउट हो। एक्चुअली में इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इस चीजों की, वजह जितना मेरे को शिवम ने बताया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और लगन के बाद हमारा एक और पार्ट आएगा, मतलब शादी का ही रिलेटेड ये पार्ट आएगा,
तो क्या बोलूं। तो फिलहाल देखो जितना शूट हुआ मैं कर पाया भाई, और क्योंकि व्लॉग भी नहीं कर पाता मैं, काम बहुत ज्यादा होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज वो समझ सकते हैं जिन्होंने अपने भाई की या बहन की शादी में काम किया भैया, प्लीज बहुत ज्यादा काम होता है तो समझो इस चीज को। और ज्यादा शूट इस वजह से भी नहीं हुआ क्योंकि सारी चीजें मेरे को ही करनी थी, मतलब तिलक वगैरह ज्यादातर भाई का ही काम होता है, तो इस चक्कर में भी मैं शूट नहीं कर पाया। जो शूट किया है शिवम ने हेल्प करी है मेरी, तो थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू सो मच शिवम, मुझे मामा का लड़का है तुम लोग जानते हो, काफी बार आ चुका है भूल ब्लॉग में, तो उसने हेल्प करी मेरी और उसी ने रिकॉर्ड किया जितना कर पाया। मैं बस एडिट कर रहा हूँ और ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ पार्ट, और आज 11 तारीख, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस व्लॉग को, इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना, बाय बाय। और कल शायद संडे राइड पे जाऊं, सॉरी मतलब आज रिंग लाइट पीछे नहीं है, रिंग लाइट मैंने एक्चुअली यहाँ लगा रखी है, अगर तो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वैसे ये कांच पे मेरे ना, क्योंकि लाइट अच्छी पड़ती है, उस टाइम पे डार्क हो गया था काफी ज्यादा ना, पता नहीं व्लॉग पिछले व्लॉग में डार्क हो गया काफी, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ लगाई। और अभी मैं संडे राइड की बात कर रहा था, सुबह शायद मैं संडे राइड पे जाऊं, अगर मैं उठ गया तो कुछ कंफर्म नहीं है, उठना पड़ेगा, विभोर मारेगा भाई। तो चलो इसे एडिट करते हैं, अपलोडिंग पे लगाते हैं क्योंकि अपलोड होने में भी टाइम लगाता है। ठीक है, पीस आउट।